हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम लोग इंडिया के नेशनल पार्क्स को देखेंगे। इंडिया के टोटल नेशनल पार्क्स को हम लोग चार वीडियो में कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे और इसी सीरीज़ में यह हम लोग का पहला वीडियो है। ठीक है, देखिए इस वीडियो में हम लोग ये जो भीड़ आपको आप लोग को दिख रहा है, इस भीड़ को हम लोग कम्प्लीट करेंगे। ये जो नॉर्थ ईस्ट का एरिया है, जैसे फर्स्ट स्टेट हमारा हुआ अरुणाचल प्रदेश, सेकेंड नागालैंड, थर्ड मणिपुर, फिर मिजोरम, त्रिपुरा, असम, और इस नॉर्थ ईस्ट के साथ हम लोग और एक स्टेट को इसमें इंक्लूड कर रहे हैं इस वीडियो में, जो कि है वेस्ट बंगाल। इतने के टोटल नेशनल पार्क्स को हम लोग एक एक करके देखते हैं। ठीक है, और सिर्फ देखिए हम लोग इसमें सिर्फ नेशनल पार्क को ही नहीं देखेंगे, उसके साथ साथ ये जो IUCN के कैटेगरी में जितने भी एनिमल्स इसके आते हैं और स्पेसीज आते हैं, ठीक है, इन सभी को हम देखेंगे और एक्स्ट्रा जो इन्फॉर्मेशन है उन सभी को हम लोग देखते हुए आगे चलेंगे। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग IUCN के कैटेगरीज में देखिए क्या क्या आता है। इधर से अगर हम लोग देखेंगे नीचे से, तो देखिए जब भी LC में कहूँ तो इसका मतलब है लिस्ट काउंट, लिस्ट कंसर्न, ठीक है, जो कि नियर फ्यूचर में वो एक्सटेंट होने के कगार पे है। इसके ऊपर जो है वो एंटी, नियर, थ्रेटेंड, फिर हमारा हम लोग का ये VU आ जाएगा, वल्नरेबल, फिर इंडेंजर्ड, फिर क्रिटिकली इंडेंजर्ड, एंड यहाँ मैं हटा रहा हूँ एक्सटिंक्ट और एक्सटिंक्ट, ठीक है, EW जो है वो एक्सटिंक्ट इन द वाइल्ड और एक्सटिंक्ट। जनरली हम लोग इस वीडियो में खास करके जितने भी एनिमल्स और जितने भी स्पेसीज मिलेंगे, ये सब CR से लेके आप लोग का LC इस कैटेगरी में मिलेंगे। तो इन सभी चीज़ों को हम लोग बहुत ही डिटेल से देखेंगे, तब तक हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं और कोशिश करते हैं। देखिए ये जो LC है, देखिए इस कैटेगरी में अगर देखिएगा तो ये सभी लिस्ट कंसर्न में है। LC मीन्स, या मैंने इसको लिखा हुआ है, ये NT जो है ये क्या है, नियर थ्रेटेंड। सभी की डेफिनेशन से आप लोग थोड़ा थोड़ा देख लीजिए, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन कौन स्पेसीज किस कैटेगरी में आ रही है, क्योंकि देखिए धीरे धीरे इधर हम जा रहे हैं तो क्या ये धीरे धीरे जो ये सभी है वो एक्सटिंक्ट की तरफ जा रही है। तो ये जितना इधर आएगा, जैसे क्रिटिकली जो CR में आता है, क्रिटिकली इंडेंजर्ड, वो स्पेसीज उतना इम्पोर्टेंट हो जाता है हमारे लिए। ठीक है, जैसे आप समझिए, हम लोग जब नेशनल पार्क पढ़ते हैं तो नेशनल पार्क क्या है, अगर आप नेशनल पार्क को समझिएगा तो इसमें सभी प्रकार के स्पेसीज रहते हैं, सभी प्रकार के स्पेसीज रहते हैं। लेकिन अगर हम टाइगर रिजर्व्स की बात करें तो टाइगर रिजर्व्स में क्या, ओनली टाइगर्स रहते हैं। और इसी तरह जो है, एक तो बायोस्फीयर रिजर्व्स बनाया जाता है, ठीक है, जो कि एक स्पेशल स्पेसीज के लिए बनाया जाता है, चाहे वो एनिमल्स भी हो सकते हैं, वो बर्ड्स भी हो सकते हैं, फ्लोरा फोनो जो फोना होते हैं वो भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं, इस तरह से हम लोग देखेंगे एक करके। लेकिन जो जितना इधर आएगा वो उतना इम्पोर्टेंट स्पेसीज है, और उन सभी स्पेसीज की एग्जाम में पूछने के चांसेस और ज़्यादा है। आप लोग समझ गए, चलिए हम लोग आगे आ रहे हैं। देखिए वही है, इसमें भी यही है लिखा हुआ है, ये सभी लोअर रिस्क में है। इस कैटेगरी में जो भी आएंगे वो थ्रेटेंड में है, इधर तो लगभग एक्सटिंक्ट हो गए। चलिए आगे आ रहे हैं। सबसे पहला हम लोग का स्टेट है वो है अरुणाचल प्रदेश। तो क्या आप लोग को मैं कुछ पहले क्वेश्चन पूछ रहा हूं, क्या आप लोगों को याद है कि इस अरुणाचल प्रदेश में कौन कौन से माउंटेन्स के पिक्स थे या कौन कौन माउंटेन्स आते थे? मैंने आप लोगों को पढ़ाया हुआ ये वीडियो। सबसे पहले डाफला, मीरी, आबोर, मिसमी, क्या याद है आप लोगों को ये चीज? डाफला, मीरी, आबोर, मिसमी, और इस अरुणाचल प्रदेश का सबसे हाईएस्ट पीक क्या है? कांगटो, क्या याद आया? हाईएस्ट पीक ऑफ अरुणाचल प्रदेश इज कांगटो। और चार इंपॉर्टेंट जो माउंटेन हिल्स थे, डाफला हिल्स, मीरी हिल्स, आबोर हिल्स, मिसमी हिल्स,
इस तरह से आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए, आगे हम लोग जा रहे हैं। देखिए मैं कुछ दिखा रहा हूँ आप लोग को, एक आप लोग देखिए, यह है माउलिंग नेशनल पार्क, देखा आप लोग को, और दूसरा जो है आप इसको देखिए, नामदफा नेशनल पार्क। तो अरुणाचल प्रदेश में दो नेशनल पार्क आ रहे हैं। पहला नेशनल पार्क क्या हुआ, वो हुआ माउलिंग नेशनल पार्क और दूसरा नामदफा नेशनल पार्क। इस चीज़ को आप लोग समझ गए, मैं आगे दिखा रहा हूँ आप लोग को, फिर हम लोग इस पर आएंगे। देखिए मैंने आप लोगों को भी बताया, डाफला हिल्स, मीरी, आबोर, मिसमी, ये चार आप लोग को दिख गया, और हाईएस्ट पीक कांगटो। चलिए सबसे पहले हम लोग जो है वो आ रहे हैं, एक सेकेंड, यस, माउलिंग। अगर मैं पूछूं नॉर्थ में क्या है, तो नॉर्थ में हमने देखा माउलिंग है, और उसके साउथ में जो है वो हमारा क्या है, नामदफा नेशनल पार्क। तो इस माउलिंग नेशनल पार्क पे देखिए कौन से स्पीसीज पाई जाती है, क्या लिखा हुआ है, रेड पांडा, ये है रेड पांडा, देख रहे पांडा की स्पीसीज है। और इसके साथ ही साथ इसको देखिए, आप लोगों को मैं दिखा रहा हूँ, टकिन्स दिख रहा है, यहाँ देखिए आपको और अच्छा फोटो दिखा रहा हूँ, ये देखिए ये फिगर है टकिन का। तो दो स्पीसीज आप लोग याद रख लीजिए, इसका आप लोग अगर स्टेटस देखिएगा कंजर्वेशन स्टेटस, तो ये देखिए कहाँ पे है, इंडेंजर्ड में है, और टकिन्स कहाँ पे है, बीयू, बीयू वल्नरेबल, समझ गए। तो अरुणाचल प्रदेश में हम लोग क्या क्या पढ़े, पहला माउलिंग नेशनल पार्क, दूसरा नामदफा नेशनल पार्क, दो नेशनल पार्क पढ़े ना। नॉर्थ और साउथ का अगर अरेंजमेंट आएगा तो आप लोग कर लीजिएगा, मैं फिर से मैप में जा रहा हूँ, ठीक है। देखिए और एक बार मैं दिखा रहा हूँ, माउलिंग नेशनल पार्क और नामदफा नेशनल पार्क, ये नॉर्थ में है, इसके कंपेयर में ये नामदफा है वो साउथ में है। अगर आपको ईस्ट टू वेस्ट का अरेंजमेंट पूछे, तो देखिए क्वेश्चन समझ के आप लोग को आ जाएगा, देखिए इसमें क्या पूछना चाहिए, ये नॉर्थ और साउथ का अरेंजमेंट, ईस्ट टू वेस्ट का अरेंजमेंट इसमें जनरल नहीं पूछा जाएगा। क्यों नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि नेशनल पार्क जो है वो एरिया में फैले रहते हैं, एक स्मॉल तो एरिया में नहीं है, घर तो नहीं है जनरली, तो ईस्ट और वेस्ट और नॉर्थ साउथ आप लोग समझ गए। फिर भी अगर पूछा जाए तो आप देख लीजिए, ये ईस्ट पोर्शन में आता है, ये वेस्ट पे आता है, ठीक है। तो दो नेशनल पार्क, पहला है माउलिंग नेशनल पार्क और दूसरा है नामदफा नेशनल पार्क। अगर मैं आपको पूछूं कि इस माउलिंग नेशनल पार्क में कौन कौन से स्पीसीज, इंपॉर्टेंट स्पीसीज पाए जाते हैं, तो हमने पढ़ा एक रेड पांडा और दूसरा टकिन्स। ये रेड पांडा किसमें पाया जाता है, इंडेंजर्ड, और ये टकिन्स वल्नरेबल में। क्या आप लोग इसको समझ गए। अब देखिए इस जो ये माउलिंग नेशनल पार्क है, इसके सामने से कुछ रिवर्स इसे एसोसिएटेड है, एक रिवर्स रिवर है वो है सियोम रिवर, सियोम रिवर, इसको तो आप लोग याद कर लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है, सियोम रिवर। अगर पूछा जाए कौन सा रिवर जो है वो सियोम नेशनल पार्क से इंपॉर्टेंट है, से कनेक्ट करती है, तो वो माउलिंग नेशनल पार्क। तो अरुणाचल प्रदेश में हमने क्या क्या पढ़ा, अरुणाचल प्रदेश में हमने पढ़ा एक तो माउलिंग नेशनल पार्क, एक है माउलिंग नेशनल पार्क और एक है नामदफा नेशनल पार्क। इस माउलिंग नेशनल पार्क में हमने दो चीज़ पढ़ा, एक हमने पढ़ा रेड पांडा, एक हमने पढ़ा टकिन्स। अगर रेड पांडा का अगर पूछा जाए तो ये अभी क्या है, इंडेंजर्ड में। देखिए ये जो लिस्ट है वो हर कुछ सालों में जो है वो रिवाइज होती है, ठीक है। तो ये लास्ट जो है अप्रोक्स 2012 इसी के आसपास जो है ये रिवाइज हुई थी। तो ये रेड पांडा इंडेंजर्ड कैटेगरी में है, और ये ताहिर जो है टकिन्स, जिसको मैंने बोला टकिन, ताहिर नहीं, टकिन जो है वो बीयू। ओके चलिए हम लोग नेक्स्ट आ रहे हैं, इसको हमने देख लिया, दोनों का कंजर्वेशन स्टेटस याद रखिए, और स्पेसिस को भी आप देख लीजिए, इसको भी देख लिया हम लोग। अब देखिए हम लोग जो रिवर मैंने आपको बताया,
एक रिवर मैंने क्या बताया आपको, सियोम रिवर। सियोम रिवर ये इम्पोर्टेंट रिवर है। इसके अलावा इस मावलिंग नेशनल पार्क से और कुछ जो है वो रिवर्स एसोसिएटेड है, जैसे स्रिंग। आप लोग कॉपी में लिखते जाइए इन सभी चीज़ों को, ठीक है, बाकी आप लोग समझ रहे हैं, ताकि आप लोग को याद करने में आसानी होगा। स्रिंग देखिए, कुछ कुछ ओंग जो लास्ट में लगे हुए, अगर कोई भी रिवर के आगे ओंग लगे तो जनरली जो है वो अरुणाचल प्रदेश से रिलेटेड होगा, जैसे क्रोबोंग नेशनल पार्क, क्रोबोंग रिवर, सिमोंग रिवर, ठीक है, और सियोम रिवर, ये सभी रिवर। तो सबसे मेन इंपॉर्टेंट जो रिवर है वो है सियोम रिवर, सियोम रिवर, और ओंग 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 जहां में रहेगा वो हमारा अरुणाचल प्रदेश, और वो भी मावलिंग नेशनल पार्क। चलिए अब हम लोग आते हैं नामदफा नेशनल पार्क, ठीक है। इस नामदफा नेशनल पार्क में आप सबसे पहले इसको देख लीजिए, यह फ्लाइंग स्क्वायरल, ठीक है, यह पाई जाती है। इसका अगर आप लोग पूछिएगा क्या स्टेटस है, कंजर्वेशन स्टेटस, तो ये जो है सीआर में है, ठीक है, क्रिटिकली इंडेंजर्ड में है। और इसके साथ ही साथ एक और स्पीसीज है, मैं दिखा रहा हूँ, इसको देखिए, क्या दिखा, अच्छा मैंने इसका फोटो नहीं लिया, क्लाउडेड लियोपार्ड, ठीक है, कहीं पे दिखा नहीं, नहीं है। तो दो चीज़ आप लोग याद रख लीजिए नामदफा में, एक तो मैंने आप लोगों को बताया यह फ्लाइंग स्क्वायरल, और दूसरा क्लाउडेड लियोपार्ड, लियोपार्ड। इसका मैं फिगर भी आगे दिखा देता हूँ कुछ देर में, ठीक है, लेकिन अभी इतना समझ गए। इस क्लाउडेड लियोपार्ड का जो कंजर्वेशन स्टेटस है वो व्यू वल्नरेबल। तो क्या आप लोग समझ गए, अभी तक हमने क्या पढ़ लिया, चार चीज़ें तो आप लोग सबसे पहले याद रख लीजिए, अरुणाचल प्रदेश के डाफला, मिरी, आबोर, मिसमी, हाईस्ट पीक कांगटो, ठीक है। इसके अलावा दो नेशनल पार्क, पहला नेशनल पार्क मावलिंग, दूसरा नेशनल पार्क नामदफा। इस मावलिंग से एसोसिएटेड रिवर सियोंग रिवर, और इसके साथ ही साथ कौन कौन से स्पेसीज है, एक तो रेड पांडा, दूसरा टकिंस, इस चीज़ को आप लोग समझ गए। अगर पूछा जाए रेड पांडा का इंडेंजर्ड, इसका वल्नरेबल, किसका वल्नरेबल है, टकिंस का, और किसका इंडेंजर्ड है, रेड पांडा का। उसके बाद अगर मैं आपको पूछूं कि नामदफा नेशनल पार्क जो है, नामदफा नेशनल पार्क, ये नामदफा नेशनल पार्क जो है वो इसमें एक स्पेसीज है फ्लाइंग स्क्वायरल, और दूसरा है क्लाउडेड लियोपार्ड, ठीक है, ये क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, सीआर में आता है। समझ गए आप लोग, एक एसोसिएटेड रिवर आप लोग याद कर लीजिए, ठीक है, वो है नोवादिहिंग रिवर, ठीक है, नोवादिहिंग रिवर। तो दो रिवर हमने पढ़ लिया, पहला रिवर क्या पढ़ा, मेन रिवर जो मैं बोल रहा हूँ, एक तो माव क्या बोले मैंने, मावलिंग, मावलिंग से वो क्या है, सियोम, सियोम रिवर, और दूसरा जो है वो नामदफा से है वो क्या है, नाउदिहिंग रिवर। इसके अलावा कुछ और रिवर से, सिरिंग जैसे मैंने बताया, क्रोबांग, सिमोंग, सुबोंग, तो ओंग ओंग जो है वो आ जाएगा, तो भूलना नहीं है, ये याद रखिए, धीरे धीरे सब याद हो जाएगा, एक एक करके रिवाइज करते रहेंगे हम लोग, और धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, काफ़ी स्लो हम लोग जाएंगे, ताकि जो है इसी लेक्चर्स के दौरान जो है वो लगभग याद हो जाए, सिर्फ आपको पलटना है एक बार, सप्ताह में, दो सप्ताह में इसको आप लगभग रिवाइज करते रहिएगा। लेकिन ये लेक्चर्स को अगर आप अभी देख रहे हैं तो रात तक या सुबह उठ के आप लोग एक बार जो है सभी नेशनल पार्क्स के और उसके स्पेसीज को आप लोग पढ़ लीजिएगा, समझ गए। तो हम लोग अरुणाचल प्रदेश को से आगे बढ़ रहे हैं, ये जो मैंने आपको बताया नोवादिहिंग रिवर, ये ब्रह्मपुत्र की ट्रिब्यूटरी है, ठीक है। इसके अलावा ब्रह्मपुत्र की क्या क्या ट्रिब्यूटरी हमने पढ़ी थी, ब्रह्मपुत्र रिवर का ओरिजिन कहाँ से होता है,
तिब्बत से होता है, होता है। उसके बाद कुछ ट्रिब्यूटरी हमने पढ़ी थी, एक अरुणाचल प्रदेश से हमने योंगया पास पढ़ा था, वहाँ से उसकी एंट्री होती है अरुणाचल प्रदेश में। इसके अलावा दिहांग हमने पढ़ा था, हमने दिबांग पढ़ा था, हमने लोहित रिवर पढ़ा था, हमने धनसिरी, सुभनसिरी ये सब पढ़े थे ना हम लोग। चलिए एक आप, चलिए मैं आपको उसको बाद में बताऊंगा, फिलहाल आगे बढ़ रहे हैं हम लोग। ठीक है, इतना हमने देख लिया, ये कहाँ आ गया। चलिए हम लोग फिर नेक्स्ट आ रहे हैं। नेक्स्ट क्या स्टेट दिख रहा है आपको बताइए। नेक्स्ट आप लोगों को दिखेगा ये दो नेशनल पार्क दिख रहा है, एक है मुरलेन नेशनल पार्क और दूसरा है फांगफुई नेशनल पार्क। ये सभी है कहाँ पे, मिजोरम में, मिजोरम में। ठीक है, क्या क्या मैंने बताया, मुरलेन नेशनल पार्क और फांगफुई नेशनल पार्क। चलिए एक एक दो अब इसके कुछ स्पेसीज को हम लोग देखते हैं। ये क्या है आप लोगों को दिख रहा है, ब्लैक चियानी तो कंजर्वेशन, एक सेकंड यार। ठीक है हाँ, ब्लैक जियांट, ये जो है मुरलेन नेशनल पार्क में मिलती है। इसका देखिए क्या है, क्या है एंटी नियर थ्रेटेंड है ये। ठीक है ये एक इम्पोर्टेंट है इस पर, इसके अलावा कुछ ज़्यादा इम्पोर्टेंट इसमें नहीं है। तो पहला हमने क्या पढ़ लिया, मुरलेन नेशनल पार्क, दूसरा फांगपुई नेशनल पार्क हम पढ़ेंगे। ठीक है फांगपुई नेशनल पार्क, देखिए इस फांगपुई नेशनल पार्क में दो इम्पोर्टेंट आती है, एक तो है ट्रैगोपैन और दूसरा ह्यूम्स पिजेंट। दिख गया, ये देखिए ह्यूम्स पिजेंट बहुत इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट तो दोनों है। क्यों इम्पोर्टेंट है ह्यूम्स पिजेंट, क्योंकि ये मिजोरम नेशनल बर्ड है। ठीक है, और इसका स्टेटस देखिए एंटी नियर थ्रेटेंड है, और इस ट्रैगोपैन का क्या है वैल्यू, वल्नरेबल। क्या आप लोग समझ गए, तो मैं अगर पूछूं मिजोरम का तो क्या क्या हमने पढ़ा, एक तो मुरलेन दूसरा फांगपुई। ठीक है यदि मैं पूछूं आंध्र प्रदेश का, तो आंध्र प्रदेश का हमने क्या पढ़ा, दो, एक माउलिंग दूसरा नामदफा। समझ गए। चलिए मैं थोड़ा बैक करके देख रहा हूँ ये स्लाइड्स किसका है। ये देखिए मुरलेन फांगपुई, ऊपर कौन है मुरलेन है, नीचे क्या है फांगपुई। ठीक है चलिए ये गोर है इधर, अच्छा ठीक है इसको मैं बताऊंगा गोल्डन गेट। एक लग रहा है मैंने स्लाइड ऐड नहीं किया है जिस कारण ये सभी हो रहा है। चलिए हम लोग आगे फिलहाल चल रहे हैं। ठीक है इसको भी छोड़िए आप लोग, इसको भी छोड़िए, यहाँ आइए, यहाँ देखिए क्या दिखा आपको, एक किबुल लामजाओ नेशनल पार्क। क्या दिखा, किबुल लामजाओ नेशनल पार्क, ये आता है आपका मणिपुर में, मणिपुर में। ठीक है मणिपुर में क्या मैंने बताया, किबुल लामजाओ नेशनल पार्क। देखिए ट्रिक्स में किसी तरह का आपको लोगों नहीं बताऊंगा, आप लोग अगर ट्रिक्स से याद करना चाहते हैं तो आप लोग कहीं और चली जाइए। मेरा सब जो मोटो है वो है कि आप मैप्स के द्वारा और रिपीटेड रिपीटेड आप लोग उसको पढ़िए ताकि आपको पिक्चर क्लियर होगा। ठीक है इस मणिपुर में, इस मणिपुर के मैं बात कर रहा हूँ, आप मणिपुर के एक चीज़ बताइए, हाईएस्ट पीक क्या आपको याद है, माउंट आइसो याद हुआ। अगर मैं पूछूं आपको, मैंने इससे पहले पढ़ाया आपको, क्या पढ़ाया था, मिजोरम, मिजोरम में मैंने आप लोगों को बताया था मिजो हिल्स, याद है। आपको बताना है
इस मिजोरम का हाईएस्ट पीक क्या है? उससे ज्यादा या ब्लू माउंटेन मिजोरम का हाईएस्ट पीक। तो अरुणाचल प्रदेश का क्या बताया मैंने, हाईएस्ट पीक कांगटो। मिजोरम का हाईएस्ट पीक ब्लू माउंटेन, और मणिपुर का हाईएस्ट पीक माउंट आइसो। क्या याद रहेगा? और इसके साथ ही साथ आंध्र प्रदेश में मैंने क्या बताया था, डासला मिरी आबोर मिसमी, मिजोरम में मिजो हिल्स। इतना याद हो गया आप लोग को? अरुणाचल प्रदेश का दो नेशनल पार्क बताइए आप लोग। कुछ याद आया दिमाग में? पहला माउलिंग, दूसरा नामदफा। मिजोरम बताइए, पहला मुरलेन, दूसरा फांगपुई। याद आया कुछ? चलिए, और मणिपुर का आप लोग देखिए, ओनली वन है, और क्या है, किबुल लामजाओ नेशनल पार्क। और एक नेशनल पार्क आप लोग इसका याद कर लीजिए, इसमें दिख नहीं रहा है, सिरोही, लिख लीजिए कॉपी में, सिरोही, सिरोही नेशनल पार्क, सिरोही नेशनल पार्क। ठीक है, आपको थोड़ा सा यहाँ दिख रहा होगा सिरोही, देखिए उसी का नाम कुछ है। ठीक है, तो पढ़ा जाता है सिरोही नेशनल पार्क, इसी को सिरोही भी बोला जाता है, देखिए लिखा हुआ है। ठीक है, इसमें क्या पाया जाता है देखिए, एक सेकेंड यार, क्या फिगर मैंने स्लाइड्स किधर उधर मैंने डाल दिया है। देखिए सबसे पहले मैं आ रहा हूँ इस किबुल लामजाओ नेशनल पार्क, कि बुल लाम जाओ नेशनल पार्क, किबुल लामजाओ नेशनल पार्क। ठीक है, इसको फ्लोटिंग नेशनल पार्क भी कहते हैं। फ्लोटिंग नेशनल पार्क क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें जो फ्यूमिट्स बता रहा हूँ मैं, PSUMIDS, फ्यूमिट्स जो है वो आपको तैरते हुए मिलेंगे, इसीलिए। ये है हमारा क्या बताइए, बहुत इम्पोर्टेंट, डांसिंग डियर। ठीक है, क्या है, डांसिंग डियर, यही पे मिलता है इसको, देखिए संगाई भी बोलते हैं। तो अगर पूछा जाए डांसिंग डियर कहाँ मिलता है, तो आप क्या जवाब दीजिएगा, मणिपुर। मणिपुर में कहाँ, तो किबुल लामजाओ नेशनल पार्क, जिसको फ्लोटिंग नेशनल पार्क भी कहते हैं। हो गया, इसी किबुल लामजाओ नेशनल पार्क के पास एक लेक है, जिसको हम लोग कहते हैं लोक तक लेक। कहाँ पे है? मणिपुर में। मणिपुर में कहाँ है? किबुल लामजाओ नेशनल पार्क पे। समझ गए? मणिपुर में दो नेशनल पार्क, किबुल लामजाओ नेशनल पार्क और सिरोही नेशनल पार्क। सिरोही नेशनल पार्क याद हुआ? इस सिरोही नेशनल पार्क में ये देखिए लीली, सिरूल, सिरुई लीली पाया जाता है, एक फ्लावर है, इम्पोर्टेंट फ्लावर। तो ये लीली, सिरोही लीली कहाँ पाया जाता है? तो सिरोही नेशनल पार्क पे। याद हुआ? आगे आ रहे हैं हम लोग, नेक्स्ट देखिए, इसको पढ़िए, इटांकी नेशनल पार्क। क्या है? इटांकी नेशनल पार्क। बताइए इटांकी नेशनल पार्क कहाँ मिलेगा हम लोगों को? इससे पहले आप बताइए इटांकी, एक चीज़ बता दीजिए आप लोग, मणिपुर का हाईएस्ट पीक क्या है? मणिपुर का हाईएस्ट पीक, मिजोरम का हाईएस्ट पीक बताइए, आंध्र प्रदेश का हाईएस्ट पीक बताइए। क्या दिमाग में आ रहा है आप लोग को कुछ? आंध्र प्रदेश का 1 2 3 4, ईस्ट टू वेस्ट, वेस्ट टू ईस्ट, कुछ दिमाग में आया कि नहीं आया? क्या बताया मैंने मणिपुर का? बताइए माउंट इसो। मिजोरम का मिजो हिल्स। कौन सा माउंटेन? हाईएस्ट पीक ब्लू माउंटेन। याद आया? चलिए बहुत बढ़िया बात है। आंध्र प्रदेश का हाईएस्ट पीक
तुरंत बताइए आप लोग, आंध्र प्रदेश का हाईएस्ट पीक क्या है? कांगटो। क्या मैंने बताया? कांगटो। बहुत ही बढ़िया बात। अब हम लोग नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट आते हैं। ये क्या लिखा हुआ है बताइए? इटांकी नेशनल पार्क। 5 बार इसको पढ़िए आप लोग, इटांकी नेशनल पार्क। क्या मैंने बताया? इटांकी नेशनल पार्क। फिर से बोलिए, इटांकी नेशनल। देखिए मैं बार बार पढ़ा रहा हूँ इसीलिए ताकि आप लोग का दिमाग में आ जाए। यह है हमारा नागालैंड में, नागालैंड में। आपको बताना है कि इधर अरुणाचल प्रदेश और इधर नागालैंड, बीच में एक हिल्स है, उसका नाम क्या है? हिल्स का नाम है पटकाईबूम। पटकाईबूम दोनों का बॉर्डर में आता है, ठीक है? तो इटांकी नेशनल पार्क कहाँ है? तो इटांकी नेशनल पार्क है नागालैंड में। कुछ याद आया? देखिए, क्या क्या स्पेसिस पाया जाता है? गिबॉन्स, हुलॉक गिबॉन्स, बंदर। बंदर का स्पेसिस है बंदर का। देखिए, गोल्डन लंगूर कहाँ पे छिपा हुआ है? इंडेंजर्ड में है। इसको देखिए, हॉर्नबिल, हॉर्नबिल, ठीक है? मैं आपको और एक फोटो दिखा रहा हूँ हॉर्नबिल का। ये देखिए हॉर्नबिल का। क्या इसको दिमाग में आके लग जाए कहाँ पे है? ये नागालैंड में। इसके अलावा नागालैंड में क्या मिलेगा? गोल्डन रंगूर मिलेगा। इसके अलावा क्या मिलेगा? गिबॉन मिलेगा। गिबॉन कौन सा गिबॉन? हुलॉक गिबॉन। क्या याद हुआ? नागालैंड में इटांकी नेशनल पार्क याद हो जाएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट जा रहे हैं। इसको देखिए, नाम से क्या कुछ याद आया? कंचनजंगा नेशनल पार्क कहाँ पे मिलेगा? सिक्किम में। सिक्किम में कंचनजंगा नेशनल पार्क। कौन से स्पीशीज मिलेगी? फिर से मैं बता रहा हूँ, कौन सा स्पीशीज मिलेगा? ये देखिए, एशियन डॉग है ये। बहुत सारे डॉग देखे लेकिन ये है एशियन डॉग। कहाँ पे छुपा हुआ है? इंडेंजर्ड में आके, इसीलिए इसका इम्पोर्टेंट वैल्यू है। क्या समझ गए? तो अभी तक हमने क्या क्या देख लिया बताइए? अरुणाचल प्रदेश हमने देखा, मैं लिख रहा हूँ, अरुणाचल प्रदेश हमने देख लिया, मिजोरम हमने देख लिया, मणिपुर हमने देख लिया, क्या नागालैंड देखा हमने? बिल्कुल देखा। आंध्र प्रदेश का 2 बताइए, कुछ दिमाग में आया? मिजोरम का बताइए और मणिपुर का बताइए और नागालैंड का बताइए। क्या नागालैंड को देख के याद आया? इंटंकी नेशनल पार्क, इटांकी नेशनल पार्क याद आया। हमने क्या पढ़ा? सिक्किम भी पढ़ा। सिक्किम का क्या पढ़ा? कंचनजंगा नेशनल पार्क। कहाँ पे कंचनजंगा नेशनल पार्क है? तो सिक्किम में है। कौन सा स्पेसिस पाया जाएगा? एशियन वाइल्ड डॉग। एशियन वाइल्ड डॉग कहाँ पे छिपा हुआ है? इंडेंजर्ड में आके, IUCN का कैटेगरी में। नेक्स्ट क्या है? मणिपुर। मणिपुर में क्या क्या है? 2 है। किबुलामजाओ नेशनल पार्क, जिसको फ्लोटिंग नेशनल पार्क कहते हैं। क्या मिलेगा? डांसिंग डियर मिलेगा। सामने कौन सा लेक है? लोकटक लेक, लोकटक लेक। और क्या मिलेगा? सिरोही, लीली मिलेगा, लीली सिरोही नेशनल पार्क में। मिजोरम, मिजोरम से कुछ याद आया? मुरलैन नेशनल पार्क, फांगपुई नेशनल पार्क। कुछ मुरलैन नेशनल पार्क में ब्लैक जायंट स्क्वायरल था। एक चीज इसमें और याद कर लीजिए, मिजोरम में ये मुरलेन नेशनल पार्क है, उसके सामने जो एसोसिएटेड रिवर है, मिजोरम, मिजोरम के अंदर कैटेगरी नेशनल पार्क। नेशनल पार्क का सब कैटेगरी मुरलेन नेशनल पार्क, और मुरलेन का सब कैटेगरी रिवर, और रिवर में क्या? तुई पुई रिवर। तुई पुई रिवर, क्या समझ गए आप लोग? तो मिजोरम का क्या क्या? मुरलेन नेशनल पार्क, फांगपुई नेशनल पार्क। नागालैंड का क्या?
इंटंकी नेशनल पार्क, सिक्किम का क्या कंचनजंगा नेशनल पार्क, अरुणाचल प्रदेश का क्या है बताइए, माउलिंग नेशनल पार्क, नामदफा नेशनल पार्क, क्या पाया जाएगा इस नामदफा नेशनल पार्क में, फ्लाइंग स्क्वायरल, उड़ता हुआ स्क्वायरल और क्लाउडेड लियोपार्ड, याद आया, कौन सा रिवर एसोसिएटेड है, नाउ दिहिंग रिवर, और इस माउलिंग नेशनल पार्क से पांडा, कुछ याद आया, रेड पांडा, और कौन सा है बताइए, रेड पांडा के साथ कौन सा एनिमल और जुड़ा हुआ था, इसमें टकिन, याद आया, कुछ के मैं फिर से फिगर दिखाऊं आप लोगों को, फिर से फिगर दिखाता हूं, आप लोग पहचानिए ये क्या है, एशियन डॉग, कहाँ मिलेगा, सिक्किम में, सिक्किम के कहाँ, कंचनजंगा, ये क्या है, फटाक से में ये लिख कर रहा हूँ, बताइए ये बताइए क्या है, हॉर्न बेल, ये क्या है, देखिए गोल्डन लंगूर गिबॉन्स, हॉर्नबिल, कुछ दिमाग में आ रहा है क्या, लंगूर में बोलूं तो आपको कुछ दिमाग में आएगा, ये नागालैंड में है, हाँ इंटंकी नेशनल पार्क में, नागालैंड में मिलेगा लंगूर, इसके साथ क्या मिलेगा, आप क्या बोल सकते हैं, हॉर्नबिल मिलेगा इसके साथ, गिबॉन मिलेगा इसके साथ, चलिए इतना दिमाग में बैठ रहा, कुछ पहले की तुलना में कुछ तो समझ में आ रहा है, कुछ धीरे धीरे जरूर आ रहा होगा, और थोड़ा सा प्रैक्टिस कीजिए, ये क्या मैं लिली सिंह, आप बता सकते हो किस नेशनल पार्क में मिलेगा, सिरोही नेशनल पार्क, कहाँ पे है, मणिपुर में, इसके साथ और कौन सा नेशनल पार्क है आप लोग बताइए, किबुल लामजाओ नेशनल पार्क, क्या क्या मिलता है, डांसिंग डियर मिलता है किबुल लामजाओ नेशनल पार्क में, फ्लोटिंग नेशनल पार्क कहते हैं, लोकतक लेक है, ठीक है, देखिए मैं आ रहा हूँ, क्या ये डांसिंग डियर पता है, इंडेंजर्ड में बैठा हुआ है, ये देख लीजिए किबुल लामजाओ नेशनल पार्क आपको दिख रहा है, ठीक है ये भी इसको छोड़िए, ये क्या आपको याद आ रहा है, इसको देख के शूम्स पिजेंट, कहाँ का नेशनल बर्ड है, मिजोरम का नेशनल बर्ड है, इसको देखिए ट्रेगोपेन, कितना सुंदर सा पक्षी है, ट्रेगोपेन वल्नरेबल में बैठा हुआ है, बिट्स ट्रेगोपेन, कहाँ पे आता है, मिजोरम में, दो बस फटाक से बता दीजिए मुझको, मिजोरम का नेशनल पार्क दो नेशनल पार्क, मुरलैंड नेशनल पार्क, फांगफुई नेशनल पार्क, क्या हो जाएगा ये, चलिए बहुत बढ़िया बात है, आप मुझको बताइए, आगे आ रहा हूँ मैं, फिर से पूछूंगा आपको, ये गोर्स, ये टेल्स मॉस्को, रेड पांडा, देखिए रेड पांडा में दिखा रहा हूँ, क्या ये रेड पांडा को आप देखिए, रेड पांडा कहाँ पाया जाता था बताइए, जो हमने अभी तक पढ़ा है, आंध्र प्रदेश में कौन सा नेशनल पार्क, माउलिंग नेशनल पार्क, कुछ याद आया, रेड पांडा और टी से टकिंस, चलिए कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई दिक्कत अभी तक, यहाँ तक कोई दिक्कत है तो आप लोग बोल सकते हैं कमेंट बॉक्स में, ठीक है, देखिए फ्लाइंग स्क्वायरल, नामदफा नेशनल पार्क, जब मैं फ्लाइंग स्क्वायरल बोलूँ तो आपको दिमाग में आ जाना चाहिए, नामदफा नेशनल पार्क, क्या एक आप लोग याद रख लीजिए, मेघालय, उसका मैं भूल गया फिर मैप से उसका पीडीएफ अटैच करने, मेघालय, ये मेघालय में दो नेशनल पार्क आता है, एक तो आता है नॉकरेक नेशनल पार्क NOKREK नेशनल पार्क, आप लोग कॉपी में लिखिए इसको, नॉकरेक नेशनल पार्क, दूसरा बालपक्रम नेशनल पार्क, क्या याद होगा मेघालय में, नॉकरेक बालपक्रम नेशनल पार्क, याद कैसे रखिएगा, मेघ मतलब क्या हुआ, बादल,
बादल गिरे आएगा तो पानी गिरेगा, पानी में बच्चा खेलेंगे, कौन खेलेगा, बाल बच्चा, बच्चा खेलेगा कहाँ, नौका लेके खेलेगा, बाल पकड़म नौकरेक नेशनल पार्क। ठीक है, इस नौकरेक को देखिए, मैं पहले नौकरेक बता रहा हूँ आपको। ठीक है, इस नौकरेक नेशनल पार्क में कुछ स्पीशीज पाए जाते हैं। एक क्या है, यहाँ देखिए मैं बता रहा हूँ, इसको देखिए, स्टम्प टेल्ड मकाऊ मैकेऊ मैकेऊ, ये बंदर, बंदर है बंदर, ज़्यादा परेशान मत होइए, वही है ना कि VIP नाम है, स्टम्प टेल्ड मकाऊ। इसके अलावा एलिफेंट, एशियन एलिफेंट, देखिए क्या है स्टेटस इसका, थोड़ा पढ़िए तो आप लोग, इनडेंजर्ड में है। ये मकाऊ किस में है, वल्नरेबल में है। ये रेड पांडा किस में है, इनडेंजर्ड। तो क्या बता सकते हैं अभी तक, ये जो रेड पांडा है, रेड पांडा वो किस किस नेशनल पार्क में पाया जाता है? एक है माउलिंग नेशनल पार्क, दूसरा है नोकरेक नेशनल पार्क। क्या इतना दिमाग आपका लग जाएगा, कहाँ पे है बैठा हुआ, इंडेंजर्ड में बैठा हुआ है, कहाँ पाया जाएगा, माउलिंग नेशनल पार्क। कहाँ है माउलिंग नेशनल पार्क, आंध्र प्रदेश में है। इसके अलावा कहाँ मिलेगा, मेघालय में मिलेगा, मेघालय का कौन सा नेशनल पार्क में, नोकरेक नेशनल पार्क में। इस नोकरेक नेशनल पार्क का रिलेशन एक रिवर से है जिसका नाम है सिमसंग नेशनल पार्क, सॉरी सिमसंग रिवर, सिमसंग रिवर। ठीक है, इसी को कहते हैं सोमेश्वरी रिवर भी कहते हैं। ठीक है, इस नोकरेक नेशनल पार्क के पास एक वाटरफॉल है, वाटरफॉल बहुत ही इंपॉर्टेंट वाटरफॉल है, आप लोग याद रखिए इसको, नाम है रोंग बैंग डेयर वाटर फॉल, लिख लीजिए RONG, रोंग BANG, बैंग रोंग बैंग डेयर वाटरफॉल। कहाँ मिलेगा, नोकरेक में मिलेगा। कहाँ है नोकरेक, मेघालय में है। कौन सा रिवर नोकरेक से है, सिमसंग है। क्या क्या मिलेगा, एक तो बंदर का स्पीसीज मिलेगा मकाऊ, एशियन एलिफेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इंडेंजर्ड में बैठा हुआ है, और रेड पांडा। इसके अलावा कहाँ मिलता है रेड पांडा, माउलिंग में मिलता है, वो कहाँ है, अरुणाचल प्रदेश में। माउलिंग के अलावा अरुणाचल प्रदेश में कौन सा नेशनल पार्क है, नामदफा नेशनल पार्क, याद हो गया। इस तरह से आप रिलेट कीजिए तब याद हो पाएगा, मैं आपको तरीका बता रहा हूं, अगर कुछ नया मिल भी जाए स्पीसीज, देखिए स्पीसीज ऐसा नहीं कि यही है, मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट स्पीसीज बता रहा हूँ जो एग्जाम में पूछने के चांसेस है, इसके अलावा बहुत सारे स्पीसीज मिलेंगे, ऐसा नहीं है। ये देखिए एशियन गोल्डन कैट, कैट है बिल्ली है, बिल्ली गोल्डन कलर का बिल्ली, वो एशियन गोल्डन कैट, ये मिलेगा बाल पकरम नेशनल पार्क में। बच्चे कैट के साथ खेलते हैं, खेलते कि नहीं खेलते, घर में कुत्ता, घर में या तो डॉग होगा या तो कैट होगा, तो आपको बताइए ये जो एशियन डॉग है, एक मैंने डॉग पढ़ाया था आपको, क्या डॉग पढ़ाया था, एशियन वाइल्ड डॉग, वो किस नेशनल पार्क में मिलता है, सिक्किम, सिक्किम का कंचनजंगा नेशनल पार्क में मिलता है एशियन वाइल्ड डॉग, इंडेंजर्ड में आता है। ठीक है, समझ गए। तो अब अभी हम लोग पढ़ रहे हैं मेघालय, और मेघालय में भी क्या पढ़ रहे हैं बताइए, मेघालय में दो नेशनल पार्क, एक बाल पकरम नेशनल पार्क, एक नोकरेक नेशनल पार्क। बाल पकरम में क्या मिलेगा, एशियन गोल्डन कैट मिला, और क्या मिलेगा देखिए, यहाँ पे एलिफेंट मिलेगा, इंडियन एलिफेंट इंडेंजर्ड में है, यहाँ पे मिलेगा। तो मेघालय में एलिफेंट मिल रहा है, दोनों में मिला कि नहीं मिला, इंडियन एलिफेंट एशियन एलिफेंट जो बोलिए आप लोग, कहाँ इंडियन एलिफेंट मिलेगा, बाल पकरम में, एशियन एलिफेंट नोकरेक में। नोकरेक का रिलेशन सिमसंग रिवर, पढ़ा है मैंने अभी, सोमेश्वरी रिवर बोलते। बाल पकरम का किस रिवर से है बताइए, गोनेश्वरी रिवर, गोनेश्वरी रिवर, गोनेश्वरी रिवर, याद आ गया। बताइए फटाक से बताइए, मेघालय, मेघालय में मैंने हिल्स पढ़ाया था, क्या क्या हिल्स पढ़ाया था मेघालय में आप लोगों को, क्या याद है, गारो खासी जयंतिया, गारो हिल्स खासी हिल्स जयंतिया हिल्स, इस गारो हिल्स के सामने से गोनेश्वरी रिवर निकलती है, गोनेश्वरी रिवर मेघालय में, याद हुआ कुछ।
गारो खासी जयंतिया, इसका हाईएस्ट पीक क्या था मेघालय का? शिलोंग पीक हाईएस्ट पीक। नागालैंड इनटंकी नेशनल पार्क हाईएस्ट पीक बताइए नागालैंड का? सारामाटी पीक, सारामाटी याद आया कुछ नागालैंड का? मिजोरम का बताइए, मिजोरम का हाईएस्ट पीक ब्लू माउंटेन। मणिपुर का बताइए, मणिपुर का आइसो माउंट आइसो याद आया? चलिए आंध्र प्रदेश और नागालैंड के बीच कुछ हिल्स है, पटकाई बूम हिल्स, ठीक है। चलिए हम आगे बढ़ रहे हैं। ये फ्लाइंग स्क्वायरल याद आया कुछ? नाम दफा कुछ याद आया? और क्या था नाम दफा फ्लाइंग स्क्वायरल के अलावा? याद कीजिए क्लाउडेड लियोपार्ड, दिखाएंगे मैं क्लाउडेड लियोपार्ड को आपको दिखाऊंगा लास्ट में, स्लाइड है मैंने रखा हुआ। ये क्या है? टकिन है। ये क्या है? रेड पांडा है। रेड पांडा देखिए ये कहाँ पे मिलेगा? अरुणाचल प्रदेश का माउलिंग नेशनल पार्क। इसके अलावा और कहाँ मिलेगा? वेयर क्वेश्चन मार्क, रेड पांडा आपको बताना है और कहाँ मिलेगा बताइए। दिमाग में आया? जब रेड पांडा मैं बोलूँ तो आपका दिमाग में आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए कि हाँ ये रेड पांडा यहाँ मिलेगा, ठीक है। रेड पांडा मिलता है और एक जगह में बता रहा हूँ, वेस्ट बंगाल में आता है न्योरा वैली, न्योरा वैली नेशनल पार्क वहाँ भी मिलता है, अभी हम पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए आगे जा रहा हूँ। माउलिंग नेशनल पार्क नोकरेक नेशनल पार्क में मिलेगा और कहाँ मिलेगा? न्योरा वैली में। ये सब पढ़ लिए हमने। ह्यूम्स फिजेंट कहाँ का है राष्ट्रीय पशु? मिजोरम का है। मिजोरम के किस नेशनल पार्क में मिलता है बताइए? फांगपुई नेशनल पार्क में। इसके अलावा क्या है? मुरलेन नेशनल पार्क, वहाँ क्या मिलता है? ब्लैक जायंट स्क्वायरल। याद हो गया? मैं फिर से आगे जा रहा हूँ, देखिए बार बार रिपीट कीजिए, रिपीट कीजिए, रिपीट कीजिए तो याद आएगा। इसको थोड़ा इस लिस्ट को हम लोग देखते हैं, ठीक है। देखिए कौन कौन हम लोग पढ़े, हमने क्या पढ़ा? आंध्र प्रदेश, आपको आंध्र प्रदेश कहाँ दिख रहा है? देखिए ऊपर में खोज रहा हूँ, सॉरी अरुणाचल प्रदेश, यहाँ देखिए क्या लिखा है? पक्के लिखा है, पक्के तो याद कीजिए, पक्के टाइगर रिजर्व, ठीक है। एक नाम दफा टाइगर रिजर्व कहाँ पे मिलेगा? क्या इसमें दिया हुआ है? दिया हुआ तो जरूर होगा, खोजने की कोशिश कर रहा हूँ स्लाइड में, ठीक है। देखिए दिख गया, यहाँ देखिए 14 नंबर नाम दफा दिखा आप लोगों को, नाम दफा, और ये आपको दिखा पक्के, इसको पकोई भी बोलते, पकोई टाइगर रिजर्व, ठीक है। और एक है देखिए कामलांग अरुणाचल प्रदेश, तो टोटल 3 टाइगर रिजर्व है अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। तो क्या मैं आपको पूछूं कि ये जो माउलिंग नेशनल पार्क हमने पढ़ा था वो क्या टाइगर रिजर्व है? नहीं है। क्या क्या है? एक तो आपको आराम से याद हो जाएगा जो हमने मैंने आपको बताया, नाम दफा नेशनल पार्क एक टाइगर रिजर्व भी है। मैंने आपको क्या बताया? नेशनल पार्क इसमें बहुत सारे स्पीसीज होते हैं कि नहीं, उसमें से कुछ को टाइगर रिजर्व भी बना दिया, कुछ स्पेशल एरिया को संरक्षित करके कंजर्वेशन करके वो टाइगर रिजर्व भी बन जाता है, ठीक है। टोटल अरुणाचल प्रदेश में क्या क्या एंटिटी हमने पढ़ लिया? नाम दफा, माउलिंग, पके पके पकोई टाइगर रिजर्व, कामलंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, कामलंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये टाइगर रिजर्व भी है, याद हो गया। सियोम रिवर, सियोम रिवर याद हुआ, रेड पांडा, टकिन्स। चलिए हम लोग नेक्स्ट, हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था बताइए, कुछ दिख रहा है इधर? अभी तक असम तो नहीं पढ़े हम लोग, इसमें से कुछ 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 अभी तो फिलहाल इतना ही है, आगे हम लोग आ रहे हैं। चलिए पक्के दिखा हम लोग, कामलंग दिखा, चलिए इतना दिख गया, नाम दफा दिखा, ये 3 जगह देखिए इधर जहाँ मैं हिला रहा हूँ हम लोग दिख गया होगा। मैं आगे जा रहा हूँ,
क्या हुआ यार, स्लाइड चेंज कैसे होगा। हाँ चलिए इसको देखिए, किबुल लामजाओ नेशनल पार्क, सिरोही नेशनल पार्क, याद आया कुछ? कहाँ पे है आप बताइए इसको। डियर डांसर, इंटंकी नेशनल पार्क, ये सब लंगूर, हुलुक गिबॉन्स, हॉर्नबिल, सिक्किम कंचनजंगा, डॉग आएगा डॉग। अब यहाँ पे आइए, एक तो ऊपर में दिख रहा है दिब्रू सिखवा नेशनल पार्क, मानस नेशनल पार्क, ओरांग नेशनल पार्क, नामेरी नेशनल पार्क, काजीरंगा नेशनल पार्क, ये सब कहाँ का है? असम, असम का। बताइए असम में मैंने हिल्स बताया था, एक कौन सा हिल है? मिकिर हिल्स, याद हुआ? चलिए एक काम कीजिए, आप लोग जहाँ सोते हैं उसके आगे सारे स्टेट्स का नाम लिख लीजिए और चिपका लीजिए उसको। अचानक से एक स्टेट को उठाइए, आंध्र प्रदेश, कौन सा नेशनल पार्क है, कौन सा हिल्स है, कौन सा रिवर है, कौन सा पासेस है, कौन हाईएस्ट पीक है, कौन सा स्पीशीज पाया जाता है, सब एक बार में रिकॉल करने का कोशिश कीजिए। उस तरह से आप लोग प्रैक्टिस कीजिए, मैं आगे आ रहा हूँ। क्या दिखा आपको? क्या आपको दिब्रू सिखवा दिखा लिखा हुआ? चलिए क्या आपको ओरांग दिखा हुआ लिखा, काजीरंगा, मानस दिखा के? चलिए बहुत बढ़िया दिखा, तो आगे जा रहा हूँ मैं। यहाँ देखिए जो मैं एक सेकंड जो दिखाना चाह रहा हूँ, सबसे पहले देखिए इधर, ठीक है, हम लोग पढ़ रहे असम को। अब असम में सबसे पहले देखिए क्या दिखा आपको, एक तो इधर देखिए दिखा रहा हूँ, क्या ये दिखा दिब्रू सिखोवा? सबसे किधर है? ईस्ट में है। फिर इधर क्या आएगा? काजीरंगा ओरांग है, तो सबसे ईस्ट में क्या हुआ? दिब्रू सिखोवा। फिर मैं दिखा रहा हूँ, दिब्रू सिखोवा के बाद सबसे ईस्ट में क्या आएगा बताइए आप लोग? क्या काजीरंगा दिखा आपको? सेकेंड, थर्ड नामेरी नेशनल पार्क, फोर्थ ओरांग नेशनल पार्क दिखा, फिफ्थ मानस नेशनल पार्क। तो कितने पढ़ लिए हमने? पांच। क्या क्या? दिब्रू सिखोवा नेशनल पार्क, काजीरंगा, इधर दिब्रू सिखोवा है ऊपर में, अगर ऊपर चल जाइएगा तो, फिर काजीरंगा, फिर नामेरी नेशनल पार्क, फिर ओरांग नेशनल पार्क, फिर मानस नेशनल पार्क। एक दो तीन चार पांच नेशनल पार्क टोटल असम के, समझ गए? हम आगे जा रहे हैं, समझते हैं एक एक करके। इसको पढ़िए सबसे पहले, क्या क्या स्पीशीज लिखा हुआ है? वाइल्ड वाटर बफेलो, वाइल्ड वाटर बफेलो काजीरंगा नेशनल पार्क में मिलता है, मिला लिखा हुआ है इसमें। देखिए ये कौन से स्पीशीज है, इसको पढ़िए आप लोग। बारह सिंगा, नाम सुने हैं? ये कहाँ मिलती है? काजीरंगा नेशनल पार्क में। इसका स्टेटस देखिए, इंडेंजर्ड में बैठा हुआ है वाइल्ड बफेलो। इसको देखिए नाम, इसको पढ़िए, बिसोन, क्या है? बिसोन, ठीक है, BISON, इसको बोलते हैं गौर भी, वल्नरेबल है ये, VU कैटेगरी में आता है। एंड काजीरंगा नेशनल पार्क, वाइल्ड बफेलो, दो तीन, ठीक है, बारहसिंगा, क्या है ये? गौर बिसोन, याद हो गया। ब्रह्मपुत्र रिवर के एक ट्रिब्यूटरी है, मोरा दिफ्लू रिवर और ब्रह्मपुत्र रिवर, ब्रह्मपुत्र रिवर के बगल में है ये काजीरंगा, और किसके बगल में है? मोरा दिफ्लू रिवर, मोरा दिफ्लू रिवर, ठीक है। ये बताइए सिमसांग रिवर, सिमसांग रिवर किस नेशनल पार्क से एसोसिएटेड है? नोकरेक नेशनल पार्क, सोमेश्वरी इसी को बोलते। यदि मैं पूछूं बाल पकरम नेशनल पार्क से कौन सा रिवर एसोसिएटेड है, तो आप क्या बताइएगा? गोनेश्वरी नेशनल पार्क, सॉरी गोनेश्वरी रिवर, ठीक है। इस काजीरंगा नेशनल पार्क से क्या एसोसिएटेड है?
ब्रह्मपुत्र रिवर और मोरा डिफ्लू रिवर, ठीक है। प्रैक्टिस करते रहिए, याद होते जाएगा। पहली बार पढ़ रहे तो थोड़ा सा दिक्कत जरूर होगा, लेकिन धीरे धीरे याद हो जाएगा। इसको पढ़िए, पिग्मी हॉग, पिग्मी हॉग, पिग्मी का स्पीसीज है। किस कहाँ बैठा हुआ है? इंडेंजर्ड कैटेगरी में बैठा हुआ है IUCN के। कहाँ मिलता है? ओरांग नेशनल पार्क में, ओरांग नेशनल पार्क, ठीक है। हमने क्या पढ़ा अभी? सबसे ऊपर इधर डिब्रू सिखोवा, फिर हमने क्या इधर आया, काजीरंगा, मैंने पढ़ा था ना, फिर नामेरी, फिर ओरांग, फिर मानस। तो मैंने अभी क्या बताया, काजीरंगा पढ़ा, पढ़ा कि नहीं पढ़ा? फिर अब हम मानस पढ़ रहे हैं, सॉरी ओरांग पढ़ रहे हैं। ओरांग में क्या मैंने बताया आपको? पिग्मी हॉग। बेल श्री रिवर, याद रखिए बेल श्री रिवर। मैं जब बोलूं बेल श्री रिवर का कनेक्शन किसके साथ है, तो आप क्या बताइएगा? ओरांग रिवर, ठीक है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट क्या मैंने बताया, पिग्मी हॉग जो इंडेंजर्ड में। इसके अलावा बहुत सारे इंडियन डायनासोर्स मिलता है, एशियन एलिफेंट्स मिलेंगे, वाइल्ड वाटर बफेलो मिलेंगे, बंगाल टाइगर्स मिलेंगे, बहुत सारे इसमें मिल जाएंगे। आगे आते हैं हम लोग, डिब्रू सिखोवा। एक सेकेंड, कहाँ में यार, स्लाइड चेंज हो गया, सॉरी, इधर आता, हाँ, डिब्रू सिखोवा नेशनल पार्क असम में है कि नहीं? सबसे ईस्टर्न में क्या है? डिब्रू सिखोवा। फिर क्या है? काजीरंगा, फिर नामेरी, फिर ओरांग, फिर मानस। इस डिब्रू सिखोवा में मिलेगा हमें स्लोथ बियर, भालू, भालू, स्लोथ बियर, नॉर्मल भालू नहीं, स्लोथ बियर है, स्लोथ बियर, नाम याद रख लीजिए, ठीक है। लोहित रिवर एसोसिएटेड है इससे, डिब्रू सिखोवा से। पढ़े थे हम लोग ब्रह्मपुत्र रिवर में लोहित रिवर, दिहांग, दिबांग, लोहित, धनश्री, सुबनश्री, कुछ याद आया? मानस, सब इसका, इसी का ट्रिब्यूटरी है मानस नेशनल पार्क, मैंने इसमें बताऊंगा अभी मैं, वो किसका ट्रिब्यूटरी है? मानस रिवर के बगल में मिलती है, इसी ब्रह्मपुत्र का ट्रिब्यूटरी है। चलिए इसे को आप लोग पढ़ लिए, और भी कुछ मिलता है इसमें, बहुत सारे चीज़ें नॉर्मल है सब। बंगाल टाइगर्स मिलेगा, इंडियन लियोपार्ड मिलेगा, क्लाउडेड लियोपार्ड मिलेगा, जंगल कैट मिलेगा। तो मेन इंपॉर्टेंट स्लोथ बियर आप लोग याद रखिए इसमें, और इसका वल्नरेबल में है, ठीक है। अब नेक्स्ट आते हैं हम लोग, क्या लिखा हुआ है, इशबिल नामेरी नेशनल पार्क। क्या क्या मैंने पढ़ा अभी? कंचनजंगा पढ़ा दिया आप लोगों को, ओरांग बता दिया, डिब्रू सिखोवा बता दिया। अब आइए आप लोग इस पे, नामेरी, इशबिल मिलता, इशबिल लिस्ट कंसर्न में है, ठीक है। रिवर, रिवर दो रिवर याद रख लीजिए इंपॉर्टेंट, पहला है जिया भोरोली रिवर, जिया भोरोली रिवर, बोर दिखोराई रिवर, बोर दिखोराई रिवर, याद हुआ? कोशिश करते रहिए, याद होते रहेगा। पकोई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से एसोसिएटेड है, बाउंड्री टच करता है, ठीक है। डिब्रू सिखोवा, डिब्रू सिखोवा, फिर क्या आएगा, कंचनजंगा, नामेरी, ओरांग, मानस। डिब्रू सिखोवा, कंचनजंगा, नामेरी, ओरांग, मानस, ठीक है। फिर मैं आ रहा हूँ, इसको देखिए, इसको देखिए, मानस नेशनल पार्क। क्या है ये? टर्टल है, टर्टल, कौन सा टर्टल? पढ़िए, असम रूफ्ड टर्टल। फिर पढ़िए, हिस्फिड हेयर, और ये देखिए फिर से लंगूर आ गया, लंगूर इनडेंजर्ड में है। आया कि फिर से नहीं? पढ़े थे ना हम लोग लंगूर, कहाँ पढ़े थे बताइए? इस तरह दिमाग लगाइए, कहाँ पढ़े थे लंगूर को हम लोग? क्या लंगूर और किस चीज से एसोसिएटेड था लंगूर? इस तरह से आप लोग याद कीजिएगा तो और आसानी होगा। आगे आ रहे हैं, हॉर्नबिल, हॉर्नबिल भी हम लोग पढ़े थे, कुछ याद है? ग्रेट हॉर्नबिल, देखिए कहाँ पे, मैंने उसमें भी बताया था, वल्नरेबल में आके बैठा हुआ है, ठीक है। देखिए मैं इससे इंपॉर्टेंट क्या है, देखिए मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। एक तो हो गया कि आपको याद हो गया कि कौन सा कहाँ पे है, ठीक है, कौन नेशनल पार्क कहाँ पे है।
लेकिन याद किस तरह से आप कीजिएगा? सिर्फ आप नेशनल पार्क सिर्फ याद रखिएगा तो आपका दिमाग में नहीं आएगा, आप रट के चल जाइएगा, लेकिन आपका दिमाग में वो मैप नहीं बनेगा। लेकिन जैसे ही आप स्पीशीज का नाम याद कीजिएगा ना, अच्छा ये हॉर्नबिल है, ये हॉर्नबिल और कहाँ मिलता था, अच्छा मैंने पढ़ा पांडा, रेड पांडा, ये कहाँ और मिलता है, अच्छा मैंने ये डॉग पढ़ा एशियन जो डॉग है वो क्या और कहीं मिलता है, नहीं मिलता है, सिर्फ कहाँ मिलेगा, काजीरंगा में मिलेगा। इस तरह से दिमाग को चलाइए आप लोग, तब वो दिमाग ज़्यादा चेक चलेगा। फिर आप रिवर को याद रखिए, अच्छा ये सिमसंग रिवर मैंने पढ़ा, मैंने ये सोमेश्वरी रिवर पढ़ा, ये मैंने गोनेश्वरी रिवर पढ़ा, ये मैंने ब्रह्मपुत्र पढ़ा, ये मैंने क्या मानस पढ़ा है, मैंने ये लोहित रिवर पढ़ा, कहाँ पर पढ़ा लोहित रिवर, डिब्रू सिखोवा दिमाग में आना चाहिए। मानस पढ़ा है तो मानस नेशनल पार्क, जैसे मैं ब्रह्मपुत्र बोलूँ तो काजीरंगा नेशनल पार्क, और कौन सा रिवर है, मोरा दिफ्लू रिवर पार्क, बेलसी रिवर कहाँ से, ओरांग नेशनल पार्क, इस तरह से दिमाग में आना चाहिए। अब देखिए सबसे इम्पोर्टेंट हम लोग आ रहे वेस्ट बंगाल। हमने अभी तक क्या क्या देख लिया, क्या हमने अरुणाचल प्रदेश देखा, बिल्कुल देखा, क्या हमने नागालैंड देखा, देख लिया, क्या हमने मिजोरम देखा, अच्छा मणिपुर देखा, देखा, मिजोरम देखा, देखा देखा कि नहीं देखा। चलिए इस तरह से हमने सिक्किम भी देख लिए, असम भी देख लिए, आगे आते हैं। एक पहला पढ़िए, बुक्सा टाइगर रिजर्व, देखा ये नेशनल पार्क भी है तो बुक्सा नेशनल पार्क। दूसरा पढ़िए जलदापरा नेशनल पार्क, देखा जलदापरा। तीसरा पढ़िए गोरुमारा नेशनल पार्क, तीन नेशनल पार्क मैंने बताया, बुक्सा टाइगर रिजर्व ये नेशनल पार्क भी है, जलदापरा नेशनल पार्क और तीसरा गोरुमारा नेशनल पार्क, तीन नेशनल पार्क याद हुआ। फिर हम आगे बढ़ रहे हैं, यहाँ पढ़िए एक सेकेंड, ये जलदापरा दिखा, चलिए ये गोरुमारा दिखा, देखा सिंगलीला नेशनल पार्क, क्या पढ़ा मैंने, सिंगलीला नेशनल पार्क। तो कितना में हमने पढ़ लिया, पहला बुक्सा, दूसरा जलदापरा, तीसरा गोरुमारा, चौथा सिंगलीला, पढ़ा। एक में और दिखा रहा हूँ आपको, यहाँ नहीं दिख रहा है क्या, इसमें इसमें नहीं आया, कोशिश कर रहा हूँ और, हाँ यहाँ देखिए, ये ऊपर भी देखिए, ऊपर में सिंगलीला से पहले क्या है, निवरा नेशनल पार्क। तो क्या ईस्ट से वेस्ट का आप अरेंजमेंट कर लीजिएगा, पहला बुक्सा, फिर जलदापरा, फिर गोरुमारा, फिर नियोरा, फिर सिंगलीला, एक दो तीन चार पाँच, ये ईस्ट ये वेस्ट। इसके अलावा और एक आता है, यहाँ देखिए दिख रहा है सुंदरबन, ये बहुत साउथ में है, ये सभी ऊपर में है, ऊपर में ये अलग है, लेकिन वेस्ट बंगाल में ही आता है, जो गंगा रिवर आती है, जो डेल्टा बनाती है, वहीं पे सुंदरबन नेशनल पार्क। ठीक है, तो क्या क्या हमने पढ़ा, बुक्सा टाइगर रिजर्व, जलदापरा नेशनल पार्क, गोरुमारा नेशनल पार्क, नियोरा वैली रिवर, देखिए नियोरा घाट टियोरा वैली जो पढ़िए, नियोरा वैली कहाँ मैंने दिखाया आपको, देख लीजिए नियोरा वैली नेशनल पार्क, सिंगलीला नेशनल पार्क एंड सुंदरबन नेशनल पार्क। हम एक एक करके आगे बढ़ते हैं, ये देखिए लियोपार्ड, देखिए इंडियन लियोपार्ड, ये देखिए बंगाल टाइगर, दिखा क्या नहीं दिखा, क्या दिखा आपको, पहला इंडियन लियोपार्ड, दूसरा बंगाल टाइगर, पहला हमने क्या पढ़ा, बुक्सा, बुक्सा में मिलेगा आपको ये, और क्या मिलेगा, क्लाउडेड लियोपार्ड, देखिए मैंने बताया था वो मैं क्लाउडेड लियोपार्ड बताऊंगा, कहाँ पढ़ा था हमने क्लाउडेड लियोपार्ड, आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश में दो पढ़े थे, मावलिंग नेशनल पार्क, नामदफा नेशनल पार्क, इस नामदफा में हमने क्लाउडेड और स्क्वायरल जियांट पढ़ा था, तो क्लाउडेड नेशनल पार्क देख कहाँ वल्नरेबल में आके बैठा हुआ है कि नहीं, ये स्क्वायरल जियांट हमने पढ़ा था उसमें भी, ओ ओ ओ इरेज ऑल एक सेकेंड, इधर आने दीजिए। तो क्या बुक्सा में क्या क्या आया, इंडियन लियोपार्ड आया, बंगाल टाइगर आया, इंडेंजर्ड में इम्पोर्टेंट है बहुत ज़्यादा, ये पढ़ लीजिए बंगाल टाइगर कहाँ मिलेगा, बुक्सा टाइगर रिजर्व में, टाइगर रिजर्व खुद में। आगे पढ़िए, सेकंड हमने क्या पढ़ा, जलदापरा नेशनल पार्क, इसमें मिलेगा पढ़िए बंगाल फ्लोरिकेन, पढ़ा
कहाँ पे आ रहा है, क्रिटिकली इंडेंजर्ड। सोचिए कितना इंपॉर्टेंट है, जो जितना क्रिटिकली है कंडीशंस उसका वैल्यू उतना ज़्यादा है, उसके लिए उतना कंजर्वेशन किया जाएगा। तो आप सोचिए कहाँ पे क्रिटिकली इंडेंजर्ड में है, नाम याद रख लीजिए इसका, बंगाली। बोक्सा रिवर से याद रखिए, एक तो रेडाक रिवर और दूसरा जयंतिया रिवर। रेडाक रिवर हमने पढ़ा था, किसका ट्रिब्यूटरी है, ब्रह्मपुत्र रिवर का। तो ये किससे एसोसिएटेड है, बोक्सा टाइगर रिजर्व से, ठीक है। दूसरा हमने क्या पढ़ा, इसको बंगाल फ्लोरिकेन, किससे है, जलदापरा नेशनल पार्क। दो रिवर आप लोग इंपॉर्टेंट है याद कर लीजिए इससे, एक है तोरसा रिवर, तोरसा रिवर, दूसरा कलजनी रिवर। तोरसा रिवर कलजनी रिवर किससे एसोसिएटेड है, जलदापरा नेशनल पार्क, बंगाली फ्लोरिकेन, ठीक है। आगे आ रहा हूँ, यहाँ पर ये क्या दिखा, राइनोसेरस गेंडा, इंडियन राइनोसेरस, इसका कैटेगरी देखिए, वल्नरेबल, देखा इंडियन राइनोसेरस, राइनोसोरस। तीसरा हमें क्या पर था, गोरुमारा नेशनल पार्क में मिलेगा आपको, इसके अलावा और क्या मिलेगा, गोर जो हमने पढ़ा है, गोर और कहाँ पढ़े थे याद कीजिए, इससे दिमाग आप लोग लगाइए। देखिए स्लोथ बियर गोर कहाँ पढ़े थे हमने, और बताइए, दिमाग लगाइए, वल्नरेबल में आता है, इसको पढ़िए क्या है, चीतल स्टेग किस कैटेगरी में आ रहा है, लिस्ट काउंट, इसको पढ़िए सांभर, ये भी स्टेक का ही कैटेगरी है, वल्नरेबल में आ रहा है, आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ये है गोरुमारा, इससे दो रिवर एसोसिएटेड है, एक तो मूर्ति रिवर और दूसरा जल ढाका रिवर, याद आया। तो अगर मैं पूछूँ आपको पहला क्वेश्चन, बोक्सा टाइगर रिजर्व से कौन कौन रिवर एसोसिएटेड है, रेडाक जयंतिया रिवर। अगर मैं पूछूँ जलधापरा से कि कौन कौन रिवर इंपॉर्टेंट है एसोसिएटेड है, तोरसा रिवर कलजनी रिवर। अगर मैं पूछूँ गोरुमारा से क्या क्या है, तो मूर्ति रिवर जल ढाका रिवर। जल ढाका किसका ट्रिब्यूटरी है, ब्रह्मपुत्र का, याद है कुछ कि नहीं, सब भूल गए, सब याद रखिए, कहाँ से ब्रह्मपुत्र निकला था, कैसे आया था ट्रिब्यूटरी सब। इसीलिए मैंने आप लोगों को पहले क्या कराया, रिवर कराया था, माउंटेन्स कराया था, ताकि आप इन सब चीज़ों को कनेक्ट कर पाइएगा, ठीक है। अभी नेशनल पार्क करा रहा हूँ, इसके बाद बायोस्फीयर रिजर्व, टाइगर रिजर्व, सब चीज़ कराऊंगा। ये मैंग्रोव फॉरेस्ट में क्या क्या आती है, सब चीज़ें हम लोग देखेंगे, एलिफेंट रिजर्व भी देखेंगे हम लोग एक एक करके, लेकिन अभी फिलहाल इसी को देखिए। लियोपार्ड कैट, देखिए इसको ध्यान से देखिए, कैट बिल्ली, बिल्ली लियोपार्ड कैट, सी ए टी कैट, ये कहाँ आता है, चौथा याद कीजिए क्या था, कुछ याद आया, नियोरा एंड सिंगलीला, तो सिंगलीला में आता है, सिंगलीला में, ये नियोरा में रेड पांडा आता है, रेड पांडा हमने पढ़ा है, तो रेड पांडा आएगा नियोरा, मैंने आपको बताया भी था उस समय जब मैं उधर पढ़ा रहा था, तो कि नियोरा वैली में आता है। और ये देखिए लिस्ट काउंट में बैठा हुआ है ये बिल्ली, ये सिंगलीला में आएगा, ठीक है। राममम और रिवर श्री खोला इससे एसोसिएटेड है, समझ गए। इसको देखिए लोहित रिवर दिखा, मानस रिवर दिखा, रेडाक दिखा, यहाँ देखिए एक सेकेंड, जल ढाका दिखा, तिस्ता, यहाँ देखिए यहाँ पे है हमारा सुंदरबन डेल्टा, सुंदरबन डेल्टा, सुंदरबन टाइगर रिजर्व, बंगाल टाइगर के लिए फेमस है। मेघना रिवर इससे एक सेकेंड एसोसिएटेड है, कौन सा रिवर एसोसिएटेड है, मेघना रिवर बंगाल टाइगर से, बंगाल टाइगर या सुंदरबन डेल्टा बोलिए। क्या याद हुआ आप लोगों को सारी चीज़ें, वेस्ट बंगाल के क्या क्या है, बोक्सा टाइगर रिजर्व, जलधापरा नेशनल पार्क, गोरुमारा नेशनल पार्क, नियोरा वैली नेशनल पार्क, सिंगलीला नेशनल पार्क, सुंदरबन नेशनल पार्क, याद हुआ। सिक्किम का मैं पूछूँ तो कंचनजंगा नेशनल पार्क, क्या मिलता है, एशियन वाइल्ड डॉग, किस में है, इंडेंजर्ड में है। अगर नागालैंड पूछ लूँ तो इंटंकी नेशनल पार्क, क्या मिलेगा, गिबॉन्स, लंगूर, गोल्डन लंगूर, हॉर्नबिल, हॉर्नबिल मिलेगा, हॉर्नबिल,
ठीक है, इस तरह से याद रखिए, दिमाग घुमाइए। मणिपुर में पूछ दूँ तो किबुल लमजाओ नेशनल पार्क, क्या उसको और कहते हैं? फ्लोटिंग नेशनल पार्क कहते हैं। क्या मिलेगा? डांसिंग डियर मिलेगा। मिलेगा कि नहीं मिलेगा? कौन सा लेक एसोसिएटेड है? लोकटक लेक, लोकतक लेक। सिरोही नेशनल पार्क, सिरोही लीली मिलेगा। अगर मैं पूछूँ मिजोरम, मुरलेन नेशनल पार्क, फ्रांगपुई नेशनल पार्क, याद आया? अगर मैं पूछूँ, एक बच गया है, एक बचा है, मैं बताता हूँ अभी क्या बचा है। मेघालय, नोकरेक नेशनल पार्क, बालपक्रम नेशनल पार्क। नोकरेक से कौन सा रिवर? सिमसंग रिवर। नोकरेक से सिमसंग, बालपक्रम से गोनेश्वरी। नोकरेक में क्या मिलता है? रेड पांडा। रेड पांडा और कहाँ मिलता है? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश का किस में? मौलिंग नेशनल पार्क में, याद आया? इसमें भी मिलता है, कहाँ पे बताइए? नाम है वेस्ट बंगाल के नेशनल पार्क्स में। मिलेगा कि नहीं मिलेगा? रेड पांडा वेस्ट बंगाल का किस में मिलता है बताइए आप लोग? क्या नाम मैंने बताया आपको? ये रेड पांडा। नियोरा वैली, घाटी, घाटी, नियोरा वैली नेशनल पार्क में। फिर मैं अगर पूछूं एशियन गोल्डन कैट कहाँ मिलेगा, तो क्या बताइएगा? मेघालय में मिला एशियन गोल्डन कैट कि नहीं? किस में? मेघालय का बाल पकरम में, ठीक है। चलिए और क्वेश्चन क्या है? आंध्र प्रदेश, नाम दफा, माउलिंग, याद आया कुछ? क्लाउडेड लियोपार्ड, फ्लाइंग स्क्वायरल, याद आया कुछ? पकोई टाइगर रिजर्व, कामलंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, याद आया? रेड पांडा, टकिन, याद आया? एक लास्ट बचा हुआ है जो छूट गया, जिसका मैंने स्लाइड ही शायद नहीं डाला, लेकिन मैं फिर भी बता दे रहा हूँ आप लोग को, शायद मैंने नहीं डाला है कहीं। एक बचा है त्रिपुरा। त्रिपुरा, त्रिपुरा में दो नेशनल पार्क है, एक है राजबाड़ी, राजबाड़ी नेशनल पार्क, ठीक है, राजबाड़ी नेशनल पार्क, और दूसरा है क्लाउडेड लियोपार्ड नेशनल पार्क। क्लाउडेड लियोपार्ड मिलेगा यहाँ, राजबाड़ी में गौर मिलेगा, गौर जो मैंने आपको दिखाया। कहाँ दिखाया मैंने गौर? वेस्ट बंगाल में दिखाया। फिर से देखना है, तृष्णा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी मिलता है। एक सेकेंड, ये देखिए स्लोथ बियर, जो गौर है ये, ठीक है, वल्नरेबल में बैठा हुआ है। तो मैंने क्या क्या बताया? त्रिपुरा में राजबाड़ी और क्लाउडेड नेशनल पार्क। तो लगभग आप लोगों को कुछ कुछ आप फेमिलियर हो गए होंगे आंध्र प्रदेश, इसके माउंटेन्स से, इसके हाईएस्ट पिक से, हुए कि नहीं हुए? असम का, असम में वराइल रेंज मिलता है नासलम और नागालैंड के बीच में, अरे माउंट आइसो, पटकाईबू, मिकिर, माउंट बुलू, नागा, सारामती, गारो, खासी, जयंतिया, शिलोंग, डाफला, मीरी, आबोर, मिसमी, सब याद होना चाहिए आप लोग को। अगर मैं त्रिपुरा की बात करूँ, त्रिपुरा का हाईएस्ट पीक क्या है? तो बैटलिंग सी। बैटलिंग सी याद है कुछ? अरुणाचल प्रदेश का कांगटो हाईएस्ट पीक है। चलिए माउलिंग, कुछ दिमाग में है? माउलिंग में बोलूँ तो आपको अरुणाचल प्रदेश तो मार दीजिएगा ना, कम से कम यही होना चाहिए, कम से कम। इस तरह प्रैक्टिस करते रहिए, दिमाग में बैठाइए, सभी नेशनल पार्क्स को लिख लीजिए, ताकि प्रैक्टिस करने में आसानी होगा। उसके स्पेसिस को लिख लीजिए और आप रिलेट कीजिए, जब रेड पांडा पढ़िएगा तो और रेड पांडा मैंने कहाँ पढ़ा था, वो किस स्टेट से है, क्या रिवर उससे एसोसिएटेड है, इस तरह से पढ़िए। तो ये देखिए हमारा फर्स्ट लेक्चर है इस नेशनल पार्क का। आगे और भी लेक्चर्स आएंगे, टोटल 4 लेक्चर्स में कोशिश करूंगा कि जितने नेशनल पार्क हैं सबको मैं कंप्लीट कर दूं, और इसके साथ ही साथ मैं टाइगर रिजर्व्स को भी कराते जाऊंगा। अगले लेक्चर्स में मैं एक टाइगर रिजर्व्स का एक मैं स्लाइड बना के लाऊंगा, ठीक है, जिससे मैं कंपेयर कराते रहूंगा आपको। लेकिन अभी तो आप लोग इतना समझ गए, बाकी स्टेट्स का हम लोग एक एक करके देखेंगे, और उन सभी लेक्चर्स में इनका हम रिविजन्स भी करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद।